जिले के फिजिकल थाना क्षेत्र अंतर्गत उधार में शराब देने का मामला सामने आया है। जब दुकानदार ने उधारी में शराब नहीं दी तो दुकानदार के लोगों के साथ झगड़ा करने को उतारू हो गए। जानकारी के अनुसार फिजिकल थाना क्षेत्र अंतर्गत शराब की दुकान के संचालक कामे शिव हरे ने बताया कि कल रात्रि को जीतू राठौर कलारी पर गाड़ी लगाकर खड़ा हुआ था। जब मेरे बड़े भाई तामे शिव हरे जब दुकान की स्लग लेने रात को आए तो उन्होंने जीतू से गाड़ी हटाने को कहा, लेकिन उसने गाड़ी नहीं हटाई। उसके बाद कर्मचारी से बोला कि एक बोतल ले आ। जब कर्मचारी से पैसे मांगे तो उसने कहा कि उधारी में दे दो, जबकि पहले से 4 बोतल उधारी में ली थी। इस पर कर्मचारियों ने मना किया तो जीतू राठौर झगड़े पर उतारू हो गया। इसके बाद जीतू के पिता हरिओम राठौर आए और झगड़ा करने लगे। इसके बाद पुलिस भी मौके पर आ गई, लेकिन अब हवाई फायर का आवेदन फिजिकल थाना पुलिस को देकर आए हैं। आसपास में ही सरकारी कैमरे लगे हुए हैं और सामने सरकारी अधिकारी रहते हैं। अगर ऐसा कुछ हवाई फायर होता तो सभी को पता चलता। उन्होंने झूठी शिकायत दर्ज की है। पूरा मामला उधार में शराब लेने का था, जब मना किया तो वह झगड़ा करने पर उतारू हो गए। क्या नाम है भैया आपका? कामेश्वर है। जो रात में जो घटना घटी थी, क्या कारण था? मैं दुकान के अंदर बैठा था, मेरा भैया है जो बड़ा, वो सरकारी डॉक्टर है। क्या नाम है भैया का? तपेश शिवारे, भोपाल सदस्य है। वो कैश लेने आया था, नाइट कैश दुकान का। तो एक जीतू राठौर आया था, गाड़ी खड़ी रही थी। उन्होंने की भैया ने की गाड़ी हटा दो, तो वो गाली गलौज करने लगा। फिर स्टाफ गया तो उससे कहे कि बोतल ले आ। तो गाली गलौज क्यों कर रहा था वो आपसे? वो भैया ने की गाड़ी हटा लो, करना है कि पहले एक बोतल मंगवा दो। तो स्टाफ ने भैया बोतल पैसे दो कि नहीं नहीं वो तो ऐसी जाती है बोतल, कर लेंगे पैसे। माने कि भैया पैसे दो, तो नहीं फिर उतर के गाड़ी गलौज करने लगा वो। तो हमने समझा बुझा के उनको कि भैया आप जाओ। फिर उनके द्वारा पापा आए, पापा ने अपता करी, गाली गलौज करी, उनको समझाया बुझाया, फिर वो गए। पुलिस प्रशासन भी आ गया था, तो उनके समझाए से वो गए। फिर वो थाने में रिपोर्ट बना के कहते हैं कि हमने फायर गए, क्योंकि हमारी सरकारी दुकान है, हम तो गए नहीं हैं उनके पास, वो हमारे पास गए। और रोज का है उनका जीतू राठौर का कि दारू चाहिए मुझे। तो ये गोली चलाने का क्या मामला, फायर करने का? गोली चलाने का कोई बात नहीं, आप सरकारी कैमरे लगे हैं, फुटेज है। गोली के चाहे पास में पुलिस प्रशासन है, सामने ही सरकारी अधिकारियों का सामने ही बंगला है, वो भी आप उनसे ही पूछ सकते हैं कि गोली क्यों चलाएंगे हम अपनी सरकारी चीज़ पे। गोली का आरोप लगाया कि चार फायर बंद गलत बात है कि क्योंकि वो फॉल्ट में है ना, वो दारू मांगते हैं रोज, उनका ऐसा ही कहना है कि दारू दो दारू। फ्री की दारू मांगने का मामला था ये? जी जी। मतलब आपने मना कर ही देने थे, दिल लड़ाई हो गई। हाँ, उनकी उधारी कर लो कि अपन उधारी करेंगे। भैया आपकी 4 बोतल पहले से उधारी है। तो आपके गार्ड द्वारा कोई गोली मोली कोई फायर नहीं हुआ? नहीं, हमें कोई गाड़ी देता स्टाफ था, स्टाफ ने समझा बुझवा के उनको, और हमने कही भी फोड़ने का भी कुछ सामने मामला। वो जबकि वो हमला कर रहे थे, उनने 10-15 आदमी उधारी हमला करने के आया, तो स्टाफ ने मैंने ऐसे बियर फोड़ी कि मतलब लड़ाई नहीं हो। अच्छा जी, घटना कितने बजे की होगी रात में? 10:30 से 11 के बीच में है। उनने चैन की भैया की, उसमें चैन भी खींचा रानी करी और हाथापाई भी करी, जबकि हमारी तरफ से कोई वो नहीं था। जबकि वो फुटेज तो होगा, फुटेज सरकारी कैमरे में है, जबकि हमारा जो कैमरा है उसकी कॉटेज नहीं थी, तो सरकारी कैमरे द्वारा फुटेज निकाली जा रही है। उसमें सामने अधिकारी भी रहती हैं सब, उनसे भी आप पूछ सकते हो कि मतलब हमारी तरफ से ऐसा कोई फायर मायर का हो। सब आपके फुटेज में भी मामला दर्ज हुआ होगा ना? नहीं, उसकी कॉटेज नहीं थी ना, कॉटेज नहीं थी, तो सामने अधिकारियों से भी सबसे पूछ रही है मैडम, जांच पड़ताल चल रही है। ठीक है।